राजस्थान पुलिस में अधिकारियों की कमी है। नए जिले बनने के बाद गंभीर हुई है यह समस्या। प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के 222 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मौजूदा समय में सिर्फ 195 आईपीएस ही पदस्थापित हैं। 27 आईपीएस अधिकारियों के पद हैं राजस्थान पुलिस में रिक्त, और ऐसे में राजस्थान पुलिस का काम प्रभावित हो रहा है। अहम खबर है जहां राजस्थान पुलिस में अधिकारियों की कमी नजर आ रही है। नए जिले बनने के बाद यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। आंकड़ों की बात कर ले तो प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के 222 पद कुल स्वीकृत हैं, लेकिन मौजूदा समय में सिर्फ 195 आईपीएस पद ही पदस्थापित हैं, और 27 आईपीएस अधिकारियों के पद हैं राजस्थान पुलिस में रिक्त। ऐसे में राजस्थान पुलिस का काम प्रभावित हो रहा है। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अहम है ये 27 आईपीएस अधिकारियों के पद अभी खाली हैं, राजस्थान पुलिस में रिक्त हैं। ऐसे में उन्हें भरने की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी की जा रही, क्योंकि राजस्थान पुलिस का काम इससे जरूर प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जब से खासकर राजस्थान में नए जिले बने हैं, तब से जो आईपीएस अधिकारियों की कमी है वो बहुत परेशान कर रही है समेत राजस्थान को, क्योंकि पहले 33 जिले होते थे तो कम से कम जिलों में एसपी का चयन आराम से हो जाता था, लेकिन अब जो जिलों की संख्या है वो 50 के आसपास पहुंच गई है। तो किसको, क्योंकि जो एसपी लेवल के अधिकारी हैं वो भी कम होते हैं, किसको लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, जो नॉन परफॉर्मर है उनको भी कई बार पोस्टिंग देनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको पता है कि ये अफसर है, ये नॉन परफॉर्मर है, लेकिन फिर भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि पास आईपीएस अधिकारियों की कमी है। 27 पद इस समय आईपीएस अधिकारियों के खाली है। जब पिछली सरकार थी उस समय ये चर्चा चली थी कि आईपीएस कैडर रिव्यू का प्रपोजल जाएगा और जो आईपीएस अधिकारियों के पद हैं वो और बढ़वाए जाएंगे, जिससे कि जो आरपीएस अधिकारी प्रमोट होते हैं उनकी संख्या बढ़ सके और आईपीएस राजस्थान को मिल सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था पिछली सरकार में। अब उम्मीद की जा रही है कि 4 जून के बाद जो आईपीएस का कैडर रिव्यू है उसकी वापस से कोशिश की जाएगी, क्योंकि बीते महीनों डीआरएस लेने से पहले जो तत्कालीन डीजीपी थे उमेश मिश्रा, वो तत्कालीन मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ यूनियन होम सेक्रेटरी से मिलकर आए थे। तो अभी माना जा रहा है कि 4 जून के बाद जब आचार संहिता हट जाएगी तब एक बार फिर से राज्य सरकार कैडर रिव्यू के लिए प्रयास करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।